नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सब कुछ इस देश में मीडिया के जरिए हो रहा है। हरिवंश जो बिहार के हैं, जिन्होंने गला घोटा संसद में, और संसद खाली है अब और लगातार बिल पास हो रहे हैं राज्यसभा में। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है लेकिन लगातार पास हो रहे हैं। हरिवंश प्रभात खबर के संपादक मालिक, और सोचिए इस देश में पत्रकार हो या पुलिस हो, किस तरह से इस देश का जो एक बड़ा तबका है वो कितना अनैतिक है, असंवैधानिक है। सोचिए बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे अब बीजेपी का झंडा थाम लिए हैं। क्या वो गारंटी देंगे कि जब वो पदों पर रहे होंगे तो उन्होंने जाति विशेष, जो बीजेपी जाति विशेष की पार्टी है, और उन्होंने उस आइडियोलॉजी के लिए काम नहीं किया होगा। ये हरिवंश जी आज राज्यसभा सांसद हैं, उनको इनाम मिला है सिर्फ अखबार में जो उन्होंने चापलूसी की है। कल उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, उसमें दो नेताओं का नाम नहीं है, एक बाबा साहेब और एक नेहरू। आप कल्पना नहीं कर सकते ये लोग कितने कास्टिस्ट और जातिवादी होते हैं। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और मीडिया मैनेजमेंट, हरिवंश चाय पिलाने जाते हैं तो मीडिया वाले को लेकर जाते हैं। उल्टा आरोप लगा दिया गया, फंसा दिया गया कि सांसदों ने संसद की गरिमा भंग की है। मतलब अपनी बात कहना, संसद में अपना सवाल उठाना, ये गरिमा भंग करना कब हो गया? लेकिन ये कांग्रेस करती रही है हमेशा से। इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों को झाड़ लगाई है, और इसीलिए उन्होंने इससे पहले संसद में इस्तीफा दिया था जब कांग्रेस की सरकार बीजेपी की सरकार थी और इनको बोलने नहीं दिया गया था रोहित बेमूला को लेकर। तो संसद में भी किस तरह के तो ब्यूरोक्रेसी हो। आरके सिंह का नाम देखिए, सीएजी के प्रमुख थे विनोद राय, उन्होंने किस तरह से बीजेपी के लिए काम किया। तो इस देश में तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ पाते, और वो कैरेक्टर है जातिवाद का। ये आपको समझना पड़ेगा, ये हरिवंश से भी पता चलता है। सोशल मीडिया पर दूसरी सबसे बड़ी खबर वायरल हो रही है अमित शाह के बेटे को लेकर। सोचिए आपको मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जाता है, लेकिन अमित शाह के बेटा को देखिए, वो अबू धाबी में बैठे हुए मुसलमानों के साथ, मुसलमानों की मेहमान नवाजी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वहां आईपीएल चल रहा है। तो इस देश में हमारे आपके जैसे जो SC ST OBC युवा है, वो धर्म के नाम पर उनको बहकाया जाता है, और ये तमाम लोग, इनको पता है कि पैसा कहाँ है, संसाधन कहाँ है, ये उनके जाके मेहमान बने रहते हैं। तो ये समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को। यूपी में कानून लॉ एंड ऑर्डर का तो एकदम बुरी हालत है। मैं वही सब खबरें लाता हूं जो मीडिया आपको दिखाता है लेकिन आपको काउंटर किया जाता है। सोचिए किस तरह से संजय सिंह और 8 सांसदों को विलेन बताया जा रहा है कि इन लोगों ने संसद का अपमान किया है। सच्चाई है कि इन लोगों ने शानदार काम किया है, और मैं तो संजय सिंह को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इतनी ईमानदारी सड़क पर। तो एक सांसद बनने के बाद आदमी कंफर्ट जोन में चला जाता है। काश इस देश के तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के सांसद अपने हकों के लिए इसी तरह की आवाज उठाते तो ये हालत न होती। खैर, बीएसपी की एक महिला सांसद है आजाद, उन्होंने यूनिवर्सिटी में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ जातिवाद होता है उसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया, वो भी नेशनल दस्तक पर आपको वीडियो मिलेगा। तो जानबूझकर मीडिया मैनेजमेंट किया जा रहा है, मीडिया के जरिए कल्प्रिट दिखाया जा रहा है। और ये बात तो सच है कि सरकार में जो सरकार चल रही है उसमें डेमोक्रेसी के लिए बहुत जगह नहीं है, और इस देश के तमाम बहुजन लोगों को समझना पड़ेगा कि आप क्या हो रहा है। लेकिन 24 तारीख को कल रावण ने प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर आप कम से कम अपनी ताकत दिखा सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं, फेसबुक पर पोस्ट लिख सकते हैं, और 25 सितंबर को किसानों का भारत बंद है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो सारे नियम ला रही है सरकार, शक पैदा होता है, चाहे वो GST हो, चाहे नोटबंदी हो, तमाम इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है। और आप समझिए कि देश कैसे चल रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गोरखपुर में सोचिए बिल्डर को दौड़ा के मार दिया जाता है, वहां 2 बहुजन युवाओं को, धीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रशांत कनौजिया अभी भी जेल में है, तेलतुम्बड़े जेल में है, और सोचिए जितने SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं उनको तो सीधे जेल में ये लोग डाल देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि सरकार में कितना प्रेशर बढ़ रहा है। और गुप्तेश्वर पांडे हो, वो जिस तरह से, और लगातार मीडिया आपको किसान, सोचिए जो मीडिया किसान की नहीं, एक वीडियो किसान का देखिए। ये मीडिया खाली है हमारी, ये सारी आड़े टेलीविजन का के खोल लो, जंदे सुशांत की बेटे का ब्याह होगा और कुछ नहीं पंदा। भाई इसे बंद कर दे, मैं 2 बार कन भेजो, नहीं तो कैमरा खोल दिया। दिशा दाना में दिशा से आज सबसे ज्यादा अगर देश में कोई गद्दारी कर रहा है, आज सबसे ज्यादा देश को अगर कोई बेचने पे तुला हुआ है वो मीडिया है। एक नातनिया गाड़िया मर गया, डोट भी नहीं हो गए, टेलीविजन फोड़ने जी करे नशा करता।
मूर्ख बना रखे 48,000 किसान मजदूर बेरोजगार आत्महत्या करके एक लाइन नहीं चलती। वो कह रहा है कि किस तरह से इस देश में सबसे ज्यादा बिकाऊ जो है वो मीडिया है, जो किसानों तक को नहीं दिखाता है। मैं कल भारत टीवी पर देख रहा था, एक उनका रिपोर्टर जो कह रहा था कि आप रोटी तो डाउनलोड नहीं कर सकते गूगल से। तो इस देश में जो बाबा साहब ने इसीलिए कहा था कि सोशल फार्मिंग होनी चाहिए इस देश में, वो सोशल फार्मिंग के पक्षधर थे, जमीनों का बराबर बंटवारा हो, सरकारों का स्वामित्व हो और अच्छी खेती हो, वो उसके पक्षधर थे। वहीं वो प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर नहीं थे, वो सोशलिज्म के पक्षधर थे, समाजवाद के पक्षधर थे, जहां सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो। लेकिन इस देश में लगातार निजीकरण के नाम पर, लेकिन सब कुछ कांग्रेस का किया धरा है जिसको बीजेपी फायदा काट रही है। ईवीएम कांग्रेस का लाया हुआ है। आपको बता दें कि ये सारे जो आज आप ड्रामा देख रहे हैं, संसद में बात न सुनना, डेमोक्रेसी खत्म करना, जाति के आधार पर फैसले लेना, ये सब कुछ कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा लाज शर्म लिहाज करके करती थी, बीजेपी उसको खुलेआम और सरेआम करती है क्योंकि उसका एजेंडा है। इसलिए एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को काफी सचेत होना चाहिए। और मुझे नहीं पता कांग्रेस लीडरशिप में कितनी बड़ी बदलाव हो रहा है, लेकिन बहुजनों को अपने लीडरशिप की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और गुप्तेश्वर पांडे जैसे लोग हो या हरिवंश जी जैसे लोग, मैं फिर कह रहा हूं, इक्का दुक्का सवर्ण समाज के लोग ही आप भरोसा कर सकते हैं, जैसे संजय सिंह है जो लगातार आवाज उठा रहे हैं गरीब की, मजलूमों की। और जिस तरह से बीपी सिंह ने आपको आपकी लड़ाई लड़ी थी, अर्जुन सिंह ने भी आपकी लड़ाई लड़ी थी, तो इक्का दुक्का ऐसे नेता होते हैं। लेकिन एक बात फिर है कि संसद में जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं 24 तारीख को रावण का देश भर में प्रदर्शन है, 23 सितंबर हो गया 1 सितंबर बाद, 25 को भारत बंद है किसानों का। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो लगातार सरकार की वहां किरकिरी हो रही है, लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक यूपी में रिजल्ट आया है नौकरी का, सोचिए ये मंदिर में जो ताला बजाते हैं उनसे, उनके लिए है, जो एससी का ओबीसी का जो 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 मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा है, एससी का उससे थोड़ा कम है और जनरल का तो उससे भी कम है। सोचिए हाईकोर्ट से किस तरह से आरक्षण के खिलाफ फैसले आते हैं। रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने 100% आरक्षण जो आदिवासी समाज को टीचर की वैकेंसी में था उसको खत्म कर दिया। तो ये सारी जगह ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, जुडिशियरी, ये सब जगह जातिवादी लोग बैठे हुए हैं और इसी के हिसाब से फैसले आ रहे हैं। मीडिया पर लोग लगातार कैंपेन चला रहे हैं, एनडीए नो डेटा अवेलेबल, बेरोजगारी का डेटा नहीं। अभी पथ परिवहन विभाग ने उनसे पूछा गया था कि लॉकडाउन में कितने लोग मरे, 29,000 लोगों की मौत हुई है लॉकडाउन में। आप सोचिए लॉकडाउन में एक्सीडेंट से 29,000 लोगों की मौत हुई है, जब लॉकडाउन था, गाड़ियां नहीं चल रही थी तो कौन चल रहे थे, अप्रवासी मजदूर चल रहे थे। कन्नौज में बीजेपी सांसद की सरेआम पिटाई हुई है, ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। किसानों का प्रदर्शन वो लगातार वायरल हो रहा है। लेकिन ये वो तमाम खबरें जो मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, मीडिया से जानबूझकर मैनेजमेंट किया जा रहा है, उसको अनुराग कश्यप दिखाना है, कंगना रनावत कभी दिखाना है, कभी रिया सिंह दिखाना है। सोचिए जब किसान का मुद्दा गायब कर दिया जाता है तो बहुजन समाज को समझना चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए इनके मन में कितनी नफरत होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। किसान जब जाट हैं, गुर्जर हैं, पटेल है, उनके थोड़े बहुत पत्रकार भी हैं, उनकी ब्यूरोक्रेसी जुडिशियरी मीडिया में भागीदारी भी है, उसके बाद भी उनको गौण कर दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो मुद्दे हैं, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, रिजर्वेशन का मुद्दा हो, एक्सप्लाइटेशन का मुद्दा हो, आप कल्पना कीजिए कि आपके साथ क्या व्यवहार हो सकता है। इस देश में कोरोना महामारी लगातार चरम पर है। सोचिए अखिलेश यादव ने फिल्म सिटी का ऐलान किया था, योगी जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अस्पताल कितने नए बनेंगे इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, आप मरते रहिए। 90,000 लगभग लोगों की मौत हो चुकी है, रोज 1,00,000 लोग कोरोना से आ रहे हैं। किसी बहकावे में बताइए, कोरोना एक बहुत ही भयानक बीमारी है, इससे सावधान रहिए। अगर आप इसके शिकार होंगे तो इसके बहुत सारे खामियां भुगतना पड़ता है। अगर आप फिट नहीं हैं, आप में इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तो आपकी जान भी जा सकती है। बिहार में एक नीट की एग्जाम देने वाली बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। आप सोचिए संसद का जो सत्र है उसको हो सकता है आज के बाद ये लोग खत्म कर दे, क्योंकि लगातार कोरोना से लोग डरे हुए हैं। तो सोचिए ये वो तमाम बड़ी खबरें जो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इस पर टीवी पर बहस नहीं होगी, किसानों से सब कुछ छीन लिया गया है, अब किसान की भी वही हालत हो जाएगी। तो ये समझना पड़ेगा निजीकरण जिस तरह से किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने शाहीनबाग में जो महिला थी, बुजुर्ग महिला, उसको बहुत सम्मान दिया है, जो प्रोटेस्ट की प्रतीक थी दादी,
और दुनिया की मीडिया को आप पढ़ेंगे इसलिए इंटरनेट पर जाइए, बीबीसी, सीएनएन, डेली मेल, न्यूयॉर्क टाइम्स, इस सब पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि खबर क्या होती है। राजेंद्र सिंह की लाइन में भारत में जो आपको दिखाया जा रहा है दरअसल वो खबर नहीं प्रचार है। इसलिए यहाँ टीवी मीडिया आपको जो भी दिखाता है वो सिर्फ सरकार के पक्ष में, पहले भय, भूख, भ्रष्टाचार दिखाया जाता था, अब सिर्फ खबर मतलब जो सरकार अनाउंसमेंट कर रही, जो सरकार बता रही है वो खबर है, जो सरकार नहीं कर रही है, जो जनता कह रही है वो खबर नहीं है। सरकार आज कोई अनाउंस करते है उसको खबर के रूप में प्रचार, तो सरकार मीडिया भारत की जो सोशल मीडिया छोड़ दीजिए अगर थोड़ा बहुत, तो सोशल मीडिया पर भी उनका कवर, तो भारत की जो अमूमन मीडिया है, पत्रकारिता है, वो सरकार का प्रचार तंत्र है। जो आपसे छुपाया जा रहा है वो खबर है, जो बताया जा रहा है वो दरअसल प्रचार है। किसान का आंदोलन छुपाया जा रहा है, बेरोजगारी छुपाई जा रही है, कोरोना महामारी छुपाई जा रही है, अर्थव्यवस्था खराब है छुपाई जा रही है, सरकार हर मोर्चे पर फेल है वो छुपाई जा रही है, जो आपको बताया जा रहा है वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट है, और ये आपको समझना पड़ेगा। इसलिए सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, और इस पर सोशल मीडिया पर लोग लगातार सक्रिय हैं, लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लोग लगातार बात है। इसलिए मैं कहता हूं सोशल मीडिया सच्चा मीडिया और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। आप लोग की क्या राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।